हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका यादव और स्वागत है आपका इस मेरे चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो टिल डेट बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी मेरा लाइव सेशन हो तो इसमें एक बार तो एक क्वेश्चन आता ही है कि वेट गेन कैसे कराए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो वेट गेन के लिए है और मुझे पर्सनल मैसेजेस भी बहुत सारे आते हैं, कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई वेट गेन का कोई वीडियो बना दो, अच्छे से कोई टिप्स दे दो कि ताकि हम फटाफट ही वजन बढ़ा सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेट गेन ना होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो पहला रीज़न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है आपके इंटेस्टाइन में यानी कि आंत में वर्म्स का होना। तो जो वर्म्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, और यदि डाइजेशन हो भी जाता है तो उसका हमारे बॉडी में जो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, जो फैट में कन्वर्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो सबसे पहला रीज़न है हमारे इंटेस्टाइन में वर्म्स का होना। तो वेट गेन के लिए क्या करना पड़ेगा, डीवॉर्मिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि इंटेस्टाइन से वर्म्स को बाय बाय बोलना पड़ेगा। और कैसे करते हैं मैं आगे बताती हूँ। तो दूसरा रीज़न है जो वो है आपका जो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं हम, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो जितनी भी एनर्जी होगी वो एनर्जी आपकी यूज़ हो जाएगी, और जो आपके बॉडी में एनर्जी का फैट में कन्वर्ट हो जाता है या एनर्जी स्टोर होती है वो नहीं हो पा रही। तो फास्ट मेटाबॉलिज्म एक वेट लॉस के रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न है थायराइड, यानी कि जिनका हाइपरथायरॉयडिज्म होगा उसको वेट गेन नहीं होगा, वो दुबला पतला ही रहेगा। डायबिटिक पेशेंट, जो उसको भी डायबिटीज होगी उसके वेट गेन भी बहुत कम हो जाता है। तो और एक रीज़न है लॉन्ग टर्म डिजीज़, यानी कि कहीं सा महीनों से आपको कोई डिजीज हो रहा होगा, कैंसर है, टाइफॉइड है, फिर मलेरिया है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी जिसको बोलते हैं, ये सारे डिजीज ऐसे हैं जिसमें पेशेंट का वेट लॉस सीवियर हो जाता है, ड्रास्टिक वेट लॉस जिसको बोल सकते हैं वो हो जाता है, और फिर उसको रिकवर होने में एक साल जैसा लग जाता है। इतने सारे रीज़न है वेट लॉस के। और फिर कहीं तो ऐसे बोलता हो कि भाई वीडियो देखते देखते कि भाई मुझे तो इसमें से कोई नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो उसका रीज़न भी है कि जिसको भूख नहीं लगती, और जिसको भूख तो लगती है, बहुत सारा खाती भी है वो लड़की या लड़का, तो जिसकी जेलेसी, कहीं ओबेस पर्सन जो वेट लॉस के चक्कर में पड़े हैं उसको जेलेसी हो रही होगी, यार इतना खाती है फिर भी इसका वजन क्यों नहीं बढ़ा, और यहाँ पर मैं एक रोटी खा लेती हूँ तो मोटी हो जाती हूँ। तो उसके लिए भी एक रीज़न है कि उसका जो से मैंने बोला पहले तो कि जो उसके वर्म्स हो गए, 90% केसेस में वर्म्स होते हैं, और उसको जिसको भूख नहीं लगती उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि क्या करें क्या ना करें जिसके आपका वेट गेन फास्ट हो। तो सबसे पहले डाइट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेडिसिन डिस्कस करेंगे। मेडिसिन सपोर्टिव है, सबसे पहला है पार्ट वो है डाइट। तो डाइट में क्या, सबसे पहले आपको उठकर जितना हो सके उतना ज़्यादा और अच्छा खाना है, यानी कि ब्रेकफास्ट आपका हेवी होना चाहिए। तो यदि आप नॉन वेज खा रहे हैं तो सबसे पहले 3 या 4 अंडे का ऑमलेट बना दे, खीमा बना दे, लपेटी बना दे, कुछ भी बना दो, लेकिन सुबह उठते उठते 4 आपको एक खा लेने हैं। तो एक खाए, फिर जो नॉन वेजिटेरियन यानी कि जिसको एग से वगैरह नहीं खाते उसको क्या करना है, और चना आता है, मूंग आता है, इस तरह से जो कठोर बोलते हैं हम, जो पल्सिस बोलते हैं, उसको रात को भिगा के सुबह उठकर खा लेना है, यानी कि पल्सिस सुबह उठकर हेवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, आपके हाई प्रोटीन डाइट बोलते हैं जिसको, वो होना चाहिए। तो सुबह उठते उठके यानी कि 3 या 4 अंडे खाने हैं, या फिर स्प्राउट करते हुए पल्सिस जो होते हैं वो खाने हैं। उसके 1 घंटे बाद क्या करना है, आपको दूध पी लेना है। तो दूध के साथ साथ आप चीनी वाला दूध पिए, तो क्या चीनी भी थोड़ा आपको एनर्जी देगी और वेट गेन कराएगी। तो चीनी वाला, हाई फैट वाला, जिसकी हम मलाई निकाली ना हो, इस तरह से चीनी वाला हाई फैट वाला मिल्क आपको 1 ग्लास पी लेना है। तो सुबह उठने का नाश्ता ये होगा, सुबह 8 बजे तक आपको ये ले लेना है। फिर बात आती है 10 बजे क्या करना है, 10 बजे कोई फ्रूट खा लीजिए आप, या फिर आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट में बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो सुबह 10 बजे आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए कोई, या फ्रूट ले लीजिए। 12 बजे क्या करना है, आपको खाने में आलू ज़्यादा ऐड करना है। 12 बजे जब भी आप खाएं तो आलू ऐड करना है, 2 रोटी खाइए, आलू की सब्जी आप डेली खाइए, उसके साथ थोड़े पल्सिस ले लीजिए आपने सुबह नहीं खाया हो तो, या फिर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल वाली सब्जी बना लीजिए। और राइस खाना है आपको, जी हाँ, राइस
तो आपको दोनों टाइम आदत डाल देनी पड़ेगी यदि वेट गेन करना है तो, क्योंकि जो राइस बोलते हैं हम, चावल बोलते हैं, उसमें बहुत सारा स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसकी वजह से वेट गेन फास्ट होता है। तो कहना है 2 या 3 रोटी खानी है, सब्जी खानी है, और फिर आपको साथ में लेना है दाल चावल। दाल में भी थोड़ा सा आ जाएगा प्रोटीन और चावल में भी स्टार्च वगैरह आ जाएगा, तो वेट गेन होगा। और हमारे गुजरात में क्या होता है कि जो डिलीवरी के बाद जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद उसको सारा का सारा खाना घी में बना के देते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए आपका राजयोग चल रहा है और आप राजा की तरह खाइए। तो आपको क्या करना है, जो यदि आपको अच्छा लगे, उसका टेस्ट आपको अच्छा लगे, तो फिर खाना तो खाना चाहिए। कई बार घी वाला आप घी डालकर, मक्खन डालकर आप आपकी जो सब्जी है वो बनाइए, तो इसके क्या होगा कि आपकी जो फैट की चांसेस बढ़ जाएंगे, और अच्छी वाली फैट होगी, वो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगी, ये मैं पहले बोल देती हूँ। तो घी में बनाइए आप अपनी सब्जी, दाल का जो बोलते हैं हम, वो सारा का सारा आप झोंका बोलते हैं दाल का, वो सारा का सारा आप घी में कीजिए। तो दोपहर में आप सब्जी लीजिए, चावल लीजिए, दाल लीजिए और रोटी खाइए। ये था दोपहर की बात, जो आप अच्छा लगे तो घी में खाइए। तो अभी बात करते हैं इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक में आप कुछ भी ले लीजिए, आइसक्रीम ले लीजिए, दूध ले लीजिए, या फिर आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, कुछ भी आपका जो भी मन करे, यहाँ पर लिबर्टी है, जो आपका दिल करे वो खाइए, लेकिन एक बार 5 या 6 बजे के बीच में कुछ ना कुछ खा लीजिए। अब बात करते हैं रात के खाने में क्या ले। तो रात के खाने में आपको लेना होगा चावल, कंपलसरी है, जैसे मैंने पहले बोला है, पुलाव बना लीजिए, बिरयानी बना लीजिए, कुछ भी ट्विस्ट करके, लेकिन 2 टाइम आपको चावल खाना है। जो भी सब्जी आप बनाए वो घी में बनाए, तो उससे क्या कहते हैं कि फैट कन्वर्सन बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से शाम को भी 2 रोटी, चावल और सब्जी लेनी है। बटर मिल्क ऐड कीजिए अपने खाने में, दिन में, दोपहर में और रात में खाने में आप बटर मिल्क ऐड कीजिए, दही ऐड कीजिए, योगर्ट ऐड कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा और इंटेस्टाइन की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो दही ऐड करना ना भूले अपने खाने में, योगर्ट, बटर मिल्क, इनमें से जो भी पसंद है आप खाने में ऐड कर दीजिए। फिर क्या करना है, रात को सोते समय आपको दूध पीना है, वो भी चीनी वाला और फैट वाला दूध पीजिए। अच्छे अच्छे प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है आजकल, तो उसमें प्रोटीन पाउडर ऐड कीजिए 3 चम्मच, अच्छा सा सीख ठीक सेक जैसा बना लीजिए और पी लीजिए। तो ये सारे बात थी हमारे खाने में, सुबह से उठकर रात में आपको क्या क्या खाना है वो फॉलो कीजिए। 1 महीने में मेरी गारंटी है कि आपका 3 या 4 किलो या फिर मैक्सिमम 5 किलो तक का वेट आपका बढ़ जाएगा। तो ये बातें थी खाने की। तो कई बार लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने सारा बोल तो गई है लेकिन मुझे तो भूख ही नहीं लगती, तो मैं कैसे खाऊँ। तो उसका आइडिया भी है मेरे पास, मेडिसिन। तो सबसे पहले मेडिसिन में क्या पार्ट है, जैसे मैंने पहले बोला कि इंटेस्टिन अपना प्रॉपर होना चाहिए तो एब्जॉर्प्शन होगा। कुछ भी खाएगी लेकिन इंटेस्टाइन प्रॉपर नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो वेट गेन नहीं होगा। कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपने जो डाइट बोला वो मैं खा रही हूँ, इतना सारा खा रही हूँ फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न जैसे मैंने पहले बोला है वो वर्म्स है। इंटेस्टाइन में जब भी वर्म्स हो गए तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, और जितना भी खाएंगे वो स्टूल में निकल जाएगा, आपकी बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, अल्बेंडाजोल करके मेडिसिन आती है, तो जेंटाल नाम है उसका, अच्छी वाली कंपनी है। तो अल्बेंडाजोल आपको 3 ले लेनी है हर रात में, यानी कि 3 रात में 3 अल्बेंडाजोल चूस के आपको खा लेनी है, तो आपका डिवोमिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप डाइट फॉलो कीजिए, यानी कि आज रात वीडियो देख रहे हैं तो आज रात एक, कल और उसके दिन में आप 3 दिन आप अल्बेंडाजोल ले लीजिए, उसके बाद ही आप डाइट चार्ट मैंने जो बोला वो स्टार्ट कीजिए, मेडिसिन में बोलने वाले वो स्टार्ट कीजिए। और इतना कर देंगे तो मेरा दावा है 100% नहीं 150% 200% कि आपका 5 kg वेट गेन 1 महीने में हो ही जाएगा। तो अब बात करते हैं भूख लगने की दवा, यानी कि कई बार ये लोग बोलते हैं मुझे भूख ही नहीं लगती, तो उसका सोल्यूशन ये है, होम्योपैथी में मेडिसिन आती है अल्फा अल्फा करके, अल्फा अल्फा मदर टिंचर लेना है आपको, उसके 20 ड्रॉप्स डाल दीजिए इस तरह से, और दिन में 4 बार ले लीजिए, आधे कप पानी में 20 ड्रॉप्स डाल के अच्छे से मिलाकर पी जाना है आपको दिन में 4 बार। 2 या 3 दिन में आपके अंदर उसकी मेडिसिन की इफेक्ट आ जाएगी और उसके बाद आपको अच्छे से भूख भी लगेगी, जो खाएंगे उसका अच्छे से
आपके बॉडी में पाचन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा, पूरा दिन भूख लगेगी इसीलिए खा सकेंगे, और जो भी खाएंगे उसको इनडाइजेशन नहीं होगा। तो अल्फा अल्फा टॉनिक आती है, यदि मधु टिंचर नहीं पीना चाहते तो टॉनिक भी आती है, अल्फा अल्फा टॉनिक भी ले सकते हैं, तो दिन में 4 बार वो ले लीजिए। अल्बिंडा जोल से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मस्ट पार्ट है डाइट चार्ट का, ये वेट गेन की मेडिसिन वाली ट्रीटमेंट का। तो अल्बिंडा जोल आज रात ले लीजिए, 3 रात वो ले लीजिए, अल्फा अल्फा टॉनिक स्टार्ट कर दीजिए, डाइट फॉलो करना शुरू कीजिए, और एक ही महीने में आप 4 या 5 kg वेट गेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑल द बेस्ट, और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में बताइए, अच्छी अच्छी कमेंट दीजिए यार, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी वीडियो ज़्यादा बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। तो सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार इसी तरह मुझे देते रहिए, इस चैनल को इसी तरह ग्रो करते रहिए। और फ्रेंड, इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वेट गेन में जो ये भाग छूट रहा है, अल्बेंडाजोल वाली बात कोई नहीं बोलेगा, और ये डाइट चार्ट कोई नहीं बताएगा जितना अच्छे से मैंने बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उसको भी ये बेनिफिट दीजिए, फ्री वाली बेनिफिट है उसको भी दीजिए, और आप इसका क्रेडिट आप ले जाएंगे, यार इसने मुझे बोला था ये करने के लिए और मेरा वेट गेन हो गया। तो क्रेडिट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कुछ भी हो तो मुझे पूछने से मत घबराइए, पूछिए, अच्छे से आंसर मिलेगा आपको। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।